जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। ये क्लास नंबर 13 है। इससे पहले मैंने क्लास 12 तक अच्छे से कम्प्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। मित्र, आज की इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले गद्यांश ही दिया गया है, तो सबसे पहले हम गद्यांश को ही कर लेते हैं, स्किप नहीं करेंगे। बाकी क्वेश्चनों को भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट में गद्यांश दिया गया है, तो हम गद्यांश को ही करेंगे। गद्यांश को पढ़ते हैं, आप भी हमारे साथ पढ़िएगा। क्या कह रहा है? प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की, कपोलों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील अचल स्थिति, संयुक्त आचरण ना तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, ना वेदों की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, ना अंजील से, ना कुरान से, ना धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन को व्याख्यान के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। अब इस गद्यांश से रिलेटेड आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, किसकी भाषा? प्रेम की भाषा जो है ये क्या है? प्रेम की भाषा जो है क्या है? अभी आपने पढ़ा है, जो भी मित्र बता सकते हैं कि प्रेम की भाषा जो है मित्र, ये शब्द रहित है। कैसा है? शब्द रहित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, शब्द रहित बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 40 जो है आपके सामने है। अगर गद्यांश आप पढ़ लेते हैं तो भी आपको आंसर बताना है, अगर गद्यांश नहीं जानते तो भी ये जनरल क्वेश्चन है, सभी को बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, अरण्य का शाब्दिक अर्थ जो है ये जंगल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, अरण्य का शाब्दिक अर्थ जंगल, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है? यत्न से आशय है, यानी यत्न का अर्थ आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी जो क्या होता है, यत्न का अर्थ जो ये प्रयास होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? तो मैंने पूरा गद्यांश पढ़ा तो मुझे पता चल गया है कि इसमें आचरण की महिमा का वर्णन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। अगर आप एक बार गद्यांश को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, तुरंत क्वेश्चन देखोगे और तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा, अगर गद्यांश सही ढंग से पढ़ते हो तो। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, इस गद्यांश का उचित शीर्षक जो हो जाएगा, सच्चा आचरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। प्रेम की भाषा बिल्कुल भी नहीं होगा, सच्चा आचरण जो है इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या पूछ रहा है? जो भाव मन में केवल अल्पकाल यानी थोड़े समय तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। जो भाव मन में केवल थोड़े समय के लिए आते हैं और संचरण करके चले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखना मित्र, उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। याद रखना, संचारी भाव की संख्या जो ये कितनी है, 33 है, ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखना। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका जो है ये किसका तत्सम शब्द है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, मच्छिका जो है ये मक्खी का तत्सम शब्द है। मक्खी जो है ये कैसा है? तद्भव है। मक्खी जो ये कैसा शब्द है मित्र? तद्भव है। और मच्छिका जो है ये तत्सम है। मछली का तत्सम क्या होता है? मत्स्य होता है। जबकि मच्छर क्या क्या होता है मित्र तत्सम? तो याद रखना, मशक होता है। क्या होता है? मशक होता है। और मिट्टी का तो सभी को पता होना चाहिए, मिट्टी का तत्सम क्या होता है? मृतिका होता है।
तो सभी का पता चल गया। तो इसमें क्या पूछा गया था, मच्छिका का तत्सम शब्द तो मक्खी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मच्छिका जो है ये किसका तत्सम शब्द है, तो याद रखना मक्खी का तत्सम शब्द जो ये मच्छिका है और मक्खी जो है ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, दीर्घ स्वर बताना है मित्र, राइट आंसर क्या होगा। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर। इसमें पूछ रहा है दीर्घ स्वर कौन है, तो याद रखना आ जो है मित्र ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा, बाकी ये तीनों जो है ये संयुक्त स्वर है। कौन सा है मित्र, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आएंगे, लेकिन आ जो है ये क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, क्वेश्चन 47 आपसे पूछ रहा है। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है मित्र। तो याद रखना अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो है ये चार होती है, य, र, ल, व, तो इसमें कौन सा है, तो याद रखना या जो है ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। जड़ का विलोम है, जड़ का विलोम आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर दें। तो याद रखना जड़ का विलोम जो है ये चेतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्र, चेतन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, भविष्य में होने वाला को एक शब्द में हम क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना उन्हें भावी कहते हैं, जो भविष्य में होने वाला है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है, अनिल का क्या अर्थ होता है और अनल का क्या अर्थ होता है, यह क्वेश्चन जो ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आने की संभावना भी है, हर प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन जो है लगभग रहता है। तो सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना अनिल का अर्थ होता है हवा, जबकि अनल का क्या होता है, आग। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके लिए 5000 प्लस जीके जीएस क्वेश्चंस की ई बुक जो है ये लॉन्च हो चुकी है, मात्र 39 रुपये में आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने जीके विषय को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये ई बुक स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयार की गई है, अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे परचेज कर सकते हो। मित्र क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या पूछ रहा है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, यानी चार शब्द आपके सामने लिखे गए हैं, इनमें कौन सा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, उस शब्द का चयन करना है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, अर्थ का अर्थ जो है यानी अर्थ का अनेक अर्थ हो सकते हैं, अर्थ के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे अर्थ का एक अर्थ क्या होता है, धन होता है, और एक अर्थ क्या होता है, मतलब, जैसे आपका मतलब क्या है, आपका अर्थ क्या है, और एक क्या होता है, बहुत सारे हो सकते हैं मित्र, धन हुआ, मतलब हुआ, अर्थ हुआ, ये सब जो है अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे अर्थ के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, सभी क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, सभी मित्र बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है ना मित्र, तो बिल्कुल सही, अध्ययन की वर्तनी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही लिखी गई है, अध्ययन की वर्तनी जो है बिल्कुल सही है, बाकी तीनों की वर्तनी जो है यह अशुद्ध हो जाएगा। अधिकार इस तरह नहीं लिखा जाता है, अधिकार की शुद्ध वर्तनी इस तरह होती है मित्र, ठीक है। अनुसरण की वर्तनी आप सोच रहे होंगे सही है, लेकिन अनुसरण की वर्तनी भी अशुद्ध है, अनुसरण की वर्तनी जो है इस तरह बिल्कुल शुद्ध होती है। आगामी नहीं होता, आगामी होता है, ये भी क्या है, अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, आगामी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही है, यानी अध्ययन की वर्तनी जो ये बिल्कुल परफेक्ट है, बाकी तीनों में त्रुटि है।
नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 53, इसका राइट आंसर आपको बताना है। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। अनुषांगिक की वर्तनी बिल्कुल सही है, आध्यात्मिक की वर्तनी बिल्कुल सही है, दायित्व की वर्तनी बिल्कुल सही है, लेकिन बात करें ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है मित्र, क्या होता है, ऐतिहासिक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है, अगर इस क्लास से तनिक भी आपको हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ मित्र क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन, जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है, तो सभी मित्र को पता है कर्ता ने, यानी ने जो है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो नेत्र जो है ये स्त्रीलिंग, सॉरी मित्र पुल्लिंग पूछ रहा है, पुल्लिंग पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, पुल्लिंग जो है यहाँ नेत्र ही होगा, पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है। दया जो है ये स्त्रीलिंग है, वायु जो है ये भी स्त्रीलिंग है, प्रार्थना जो है ये भी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग है, प्रार्थना की जाती है, दया आ गई, वायु या हवा चल रही है, तो नेत्र जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में स्त्रीलिंग शब्द अब आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना स्त्रीलिंग जो है मित्र इसमें कौन सा हो जाएगा, स्त्रीलिंग शोभा, बिल्कुल सही, शोभा। जो भी मित्र बता रहे हैं शोभा जो ये स्त्रीलिंग है, बाकी तीनों जो ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, लेकिन शोभा जो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने एक किसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है, किसका प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, क्वेश्चन नंबर 57 का बताओ मित्र राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक का प्रयोग जो है ये सदैव एक वचन में ही होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, चार वाक्य आपके सामने लिखा गया है, इनमें पूछ रहा है कौन सा वाक्य है जो वर्तमान काल का उदाहरण है, क्वेश्चन 58 आपके सामने, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि साफ साफ नजर आ रहा है वर्तमान काल का उदाहरण, वह जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, कर्मवाच्य का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 59। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्र बिल्कुल सही है। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं, क्या पूछ रहा है मित्र, कर्मवाच्य का उदाहरण ना, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या होगा, कृतवाच्य हो जाएगा। सीता पत्र लिखती है, सीता पत्र लिखती है, ये भी कृतवाच्य हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता, ये तो सभी मित्र को पता है, ये भाववाच्य हो जाएगा। यहाँ क्या पूछा गया था, कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछ रहा है, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, सरल वाक्य नहीं है की बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 60 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। लड़का दौड़ता है, बिल्कुल सरल वाक्य ही है। बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, ये भी सरल वाक्य है। मैंने लड़के को बुलाया, ये भी सरल वाक्य है। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, ये मित्र सरल वाक्य नहीं है, ये मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, अशुद्ध अंश का चयन करना है। सभी मित्र बता देंगे मैंने यह काम कर लेना चाहिए, तो यहाँ मैंने नहीं होना चाहिए था, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र, जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अल्प विराम का चिन्ह है, अल्प विराम का चिन्ह आपसे पूछ रहा है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, अल्प विराम का चिन्ह जो होता है मित्र, ये ऑप्शन नंबर बी में, और ये कौन सा विराम है, ये अर्ध विराम हो जाएगा। क्या है मित्र,
ये अर्ध विराम चिन्ह के अंतर्गत आएगा। ये तो सभी मित्र को पता है ये विस्म्यादि बोधक चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है पता ही नहीं, मुझे ही नहीं पता कि ये कौन सा चिन्ह है मित्र, लेकिन ये तीनों जो है ये अर्ध विराम हो जाएगा, ये अल्प विराम हो जाएगा और ये विस्म्यादि बोधक चिन्ह होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, पतित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। गिरा हुआ को क्या कहा जाता है, पतित कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची शब्द है, श्रेष्ठ पद का पर्यायवाची या समानार्थी जो ये भ्रमर होता है या भ्रमरा होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, होनहार विरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। ये जो लोकोक्ति लिखी गई है, होनहार विरवान के होत चिकने पात, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ क्या होता है, ये होता है कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। बिल्कुल सही है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 66 आपसे क्या पूछ रहा है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है। यानी आपसे पढ़ रहा है कि एक से बढ़कर दूसरे, ये जो है ये किस लोकोक्ति का अर्थ है, सभी मित्र बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर का क्या अर्थ होता है, शेर को सवा शेर इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, एक से बढ़कर दूसरा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है, मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद क्या कहलाता है, शब्दानुवाद। राइट आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है, अपने उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है। तो कन्नौजी भी बोली जाती है, ब्रजभाषा भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है, लेकिन मेवाती जो है अपने उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। मेवाती हुआ, मारवाड़ी हुआ, मालवी हुआ, ये सब कहाँ बोली जाती है मित्र, राजस्थान में बोली जाती है। जयपुरी हुआ, ये सब बोलियाँ कहाँ बोली जाती हैं, तो राजस्थान में बोली जाती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये मेवाती जो है ये उत्तर प्रदेश की नहीं है। निम्न में शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, विनायक, एक दंत, लंबोदर, धनद। तो याद रखना विनायक जो है ये भी क्या है, गणेश के पर्यायवाची। एक दंत जो है ये भी किसके है, गणेश के पर्यायवाची। लंबोदर जो है ये किसका है, गणेश का पर्यायवाची। लेकिन धनद याद रखना मित्र, धनद जो है ये कुबेर जी का पर्यायवाची। किसका है, ये कुबेर जी का है। कुबेर जी के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं मित्र, जैसे धनद हुआ, धनपति हुआ, धनेश्वर हुआ, बहुत सारे पर्यायवाची हैं मित्र कुबेर जी की, इसे याद रखना। धनद जो है किसका है, कुबेर का। आत्मभू स्वयंभू चतुरानन विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द है। यानी ये जो पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, फटाफट बता देंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखना ये सब जो है ये ब्रह्मा जी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर ये दोनों आपको नहीं पता है तो चतुरानंद जो है आप देखकर बता सकते हैं कि यह ब्रह्मा जी का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है, टा वर्ग में नहीं है की बात कर रहा है, क्वेश्चन 71 है आपके सामने, सभी मित्र बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना टा ठ ड ढ, लेकिन धा जो है ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है, टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, ये ता वर्ग के अंतर्गत आता है, ता था दा धा न। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो, और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, याद रखना है मित्र, धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है, यानी जो क्रिया की विशेषता बताता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे धीरे जो है यह क्रिया विशेषण हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है,
तो याद रखना लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगर लड़के का नाम रख दिया जाए जैसे रोहन दौड़ता है तो रोहन जो है ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन यहाँ आपसे कह रहा है केवल लड़का दौड़ता है तो लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? 74 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। जवान, बालक और मनुष्य, ये जो है मित्र ये तीनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सुंदर जो है ये अलग हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। क्वेश्चन 75 और लास्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राण जो है ये बहुवचन में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दिया करो मित्र, क्योंकि आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कैसी भी लगी हो जरूर बताया करो मित्र, अच्छी लगी है तो वो भी बताया करो, नहीं अच्छी लगी हो वो भी बता दिया करो। आज की इस क्लास में कहीं भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। मित्र इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? फिलहाल अभी 2-3 PDF नहीं दी गई हैं, तो मैं आपको बता दूं सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं वहाँ भी आपको इसकी PDF दे दी जाएगी। तो मित्र आज की क्लास में बस इतना ही, सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।